श्योपुर नगर के किला क्षेत्र में स्थित नेकनाम हायर सेकेंडरी स्कूल में आज छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के क्रम में रोबोटिक लैबोरेटरी का शुभारंभ श्योपुर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। जहां शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने कहा कि रोबोटिक लैबोरेटरी के शुभारंभ के बाद इंजीनियरिंग में अपना भाग्य आजमाने वाले छात्र छात्राओं के लिए रोबोटिक लैबोरेटरी मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने स्कूल संचालक को इस अद्भुत कार्य की स्थापना को लेकर बधाई दी और छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। वहीं लैबोरेटरी का निरीक्षण किया, जहां आलौकिक रोबोटिक लैबोरेटरी के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बारीकी से लैबोरेटरी का निरीक्षण कर लैबोरेटरी की उपयोगिता की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं इसे छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ द्वारा पुलिस अधीक्षक का साफा बांधकर फूलों से सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि गणों को स्वल्पहार कर कार्यक्रम का समापन किया गया। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। आपके प्रयास सफल हुए और नेकनाम पब्लिक स्कूल के अंदर रोबोट लेबोरेटरी का आपके द्वारा आज जो है शिवपुर एसपी के द्वारा जो है शुभारंभ करवाया गया है। आपके क्या उद्देश्य हैं उसको लेकर और क्या आप बच्चों को उसके माध्यम से बताना चाहते हैं और शिक्षा के स्तर को किस हद तक आप ले जाना चाहते हैं, कृपया बताएं। सर, सबसे पहले तो ये रोबोटिक्स लैब का बनाने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चा अगर 12th के बाद 10th के बाद साइंस लेता है, मैथ साइंस में रुचि रखता है, इंजीनियरिंग में रुचि रखता है, तो वो यहाँ से सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज जो एकदम ज़मीनी नॉलेज होती है वो लेके जाए। ज़मीनी नॉलेज हमको किताबों में मिल जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमको प्रैक्टिकल करने से ही मिलती है और प्रैक्टिकल नॉलेज से ही इंसान के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसी उद्देश्य से रोबोटिक्स लैब को बनाया है। इससे ये भी फायदा होगा कि जितने भी अपने बच्चे हैं वो इसके बाद आगे भी अपना खोल सकते हैं। जिनको अचानक ही काम करना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उनके दिमाग के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई आइडिया चल रहे हैं, उसको वो अंजाम दे सकते हैं यहाँ पर। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो लेबोरेटरी आपके माध्यम से जो शुरू की गई है उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा? जी जी बिल्कुल, रोजगार मिलेगा, वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। वो कुछ भी बनाना हो, कोई भी डिजाइनिंग करना हो, यहाँ पर 3D प्रिंटर है, उससे डिजाइनिंग हो जाएगी कोई से भी प्रोडक्ट की। यहाँ पर अपने रोबोटिक्स लैब में सर्किट बोर्ड है, डायोड्स है, जिससे भी वो बेसिक नॉलेज जो भी होती है वो उनको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आज नेकनाम पब्लिक स्कूल के अंदर एक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है, कैसा आपको महसूस हुआ, क्या लाभ मिलेंगे इसके, क्या उद्देश्य रहेंगे, आपको कैसा महसूस हुआ इसके लिए? नेकनाम इंग्लिश पब्लिक स्कूल में आज एक नए तरीके की रोबोटिक्स लैब का मेरे द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इससे इस इलाके में बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के निकलेंगे उनको अपने पैरों पर खड़े होने का संबल मिलेगा, उनको मदद मिलेगी और अपना तत्काल यहाँ से निकलने के बाद अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। आगे हायर एजुकेशन लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, बाहर जाना है, उसमें भी ये बेसिक नॉलेज यहाँ का बहुत काम आएगा यहाँ के बच्चों को।